नमस्कार। तमिल सुपरस्टार कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल की मच वेटेड फिल्म विक्रम लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पुष्पा ट्रिपल आर केजीएफ 2 के बाद सुपरस्टार कमल हासन की आने वाली इस अगली फिल्म में काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है और इसीलिए हिंदी दर्शकों को भी इससे खासा उम्मीदें हैं। इस फिल्म को लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक काफी बज देखा जा रहा है। 3 जून को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल जैसे दमदार सितारों की तिकड़ी से सजी फिल्म विक्रम ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने ये बड़ी रकम डिजिटल में सभी भाषाओं और सैटेलाइट राइट्स बेचकर हासिल की है। यही नई रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर कमल हासन की इस अपकमिंग फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस भी काफी शानदार है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि फिल्म आने वाले दिनों में थिएटर में भी शानदार कमाई करने वाली है। बता दें, इस बात की जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने दी है। उन्होंने लिखा, हाईएस्ट प्री रिलीज बिजनेस फॉर कमल हासन, मोर देन 200 करोड़ इंक्लूडिंग सैटेलाइट एंड ओटीटी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। कहना गलत नहीं होगा कि कमल हासन ने शानदार कमबैक कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को आईएमडीबी की साल 2022 की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में टॉप पोजीशन मिली है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर भी साउथ सिनेमा का ही बोलबाला है। साउथ सिनेमा की फिल्म मेजर दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को पोजीशन मिली है। ऐसे में जाहिर है कि कमल हासन की फिल्म विक्रम बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी करने की तैयारी में है। बता दें, विक्रम मेजर और सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन रिलीज हो रही हैं। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर भूचाल मचना लाजमी है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, कमल हासन की फिल्म विक्रम अक्षय की पृथ्वीराज पर भारी पड़ सकती है। बता दें, बीते काफी टाइम से बॉलीवुड पर साउथ की फिल्में भारी पड़ रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि 3 जून को बॉक्स ऑफिस पर किसका डंका बजता है। आप किस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।